हाँ जी भैया और मेरे चैनल वालों के हाल सबके। तो आज की वाली वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज की गेम्स के बारे में, जो कि मैं खेला करता था स्कूल से आने के बाद। एकदम से फट से खेलने लग जाता था, और अगर मैं स्कूल में हूँ तो मैं अपने ये सपने देखा करता था कि यार जल्दी से छुट्टी हो, घर में पहुंच करके मैं इन गेम्स को खेलना स्टार्ट कर पाऊँ। एंड वीडियो के स्टार्टिंग में मैं चीज बता देता हूँ, सिर्फ 5 गेम्स के बारे में हम बात करने वाले हैं, वैसे 6 हैं, बट वीडियो के टाइटल के लिए टॉप 5 बोल लेते हैं। एंड ये मेरी चाइल्डहुड गेम्स हैं, आप लोगों की और भी होंगी और 5 से ज्यादा ही है मेरी तो, बट आप लोग जरूर से मुझे कॉमेंट सेक्शन अंदर बता सकते हो कि आप लोगों ने कौन कौन सी गेम्स खेली अपने चाइल्डहुड में। अभी फिलहाल के लिए आप लोग मेरी लिस्ट को चेकआउट कर सकते हो, जिसके अंदर सबसे नंबर 1 गेम की अगर मैं बात करूं तो ये होगी क्रिकेट 2007। ऐसा नहीं है कि क्रिकेट 2007 को मैंने नंबर 1 पर रखा है तो मैंने इस गेम को सबसे ज्यादा खेला होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट अगर हम लोग डायरेक्ट गेम की अगर हम बात करें तो क्रिकेट 2007 अगर आप लोगों ने नहीं भी खेली है तो आपने एटलीस्ट 1-2 मीम्स तो देखे होंगे, जैसे कि सचिन तेंदुलकर का नाम आ रहा है तो उसको सचिन तेंदुलकर बोला जाएगा, या युवराज सिंह है तो उसको युवराज सिंह बोला जाएगा, हरभजन सिंह है तो हरवाज सिंह बोला जाएगा। ये सारी की सारी जो नेम्स है आप लोगों का क्रिकेट 2007 के अंदर बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था। आप लोगों का नॉर्मल ओडीआई मोड तो होता ही था, साथ ही में इसके अंदर टेस्ट मोड भी होता था। मैं खेलता था फुल ऑन टेस्ट मोड, क्योंकि इस गेम के अंदर मुझे तो भाई मास्टरी हो चुकी थी और बॉलिंग तो मैं इजीली कर ही लेता था, तो भाई मैं तो सामने अपना पहली बैटिंग करना पसंद करता था और फुल ऑन मैं खेले जा रहा हूँ, रन बनाए जा रहा हूँ, और फिर साथ में अपनी बॉलिंग भी कर दे रहा हूँ मैं, तो जल्दी लोग आउट हो जाते थे, मेरी बैटिंग वापस से आ जाती थी, तो भाई बड़ा मजा आता था इसके अंदर। और भाई इंडिया वर्सेज पाकिस्तान हो गया, इंडिया वर्सेज आपका और भी जो कंट्रीज है, आप लोग इसके अंदर कर सकते थे। और आपको तो पता ही है यार इंडिया में क्रिकेट कितना ज्यादा खेला जाता है। अगर आप लोगों ने क्रिकेट 2007 खेली है तो मुझे जरूर से बताना कि आप लोगों को क्या क्या याद है इस गेम के बारे में। आई नो मैं बहुत सारी चीजें भूल रहा हूँ, बट यस मुझे एक टाइम पे यार ये गेम्स खेलना बहुत ज्यादा मजा आता था। जरूर से मुझे अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। बट अगर मैं नेक्स्ट गेम की बात करूँ गेम नंबर 2 की, तो ये होगी आपकी WWE की गेम्स। यस ये थोड़ी मल्टीपल होगी क्योंकि मैंने WWE की बहुत सारी गेम्स खेली है, WWE Raw, WWE Smackdown, WWE Smackdown Here Comes the Pain समथिंग नाम था, मैंने बहुत सारी गेम्स खेली है। एंड आपकी WWE की बहुत सारी गेम्स आती हैं, बड़ा मजा आता था यार WWE की गेम्स खेलने में, यार हर किसी को मजा ही आता है। मैंने बहुत सारे जो आपके जो गेम शॉप हुआ करते थे, मैं वहां पे जाकर के भी आप लोगों के जो कॉन्सोल वाले जो PlayStation 2, 3 के अंदर जो WWE की गेम्स आया करती थी, मैं वो सारी गेम्स भी खेला करता था, बड़ा मजा आता था WWE की गेम्स के अंदर। एंड साथ ही में अगर 2-player गेम है और आपका या सिंगल सोलो भी खेल रहे हो वर्सेस AI, तब भी WWE की गेम्स में यार भाई बहुत ज्यादा मजा आता था। अगर आप लोगों ने कोई भी WWE की गेम्स खेली तो आप लोग एग्री करोगे यार भाई WWE की गेम्स खेलने में बड़ा ही मजा आता था। एंड अभी भी WWE का जो रेसलमेनिया अभी खत्म हुआ है तो यार भाई WWE में वाइब है यार। अगर मैं नेक्स्ट गेम की बात करूं तो ये 2 गेम्स होंगी, क्योंकि यार ये आप लोगों ने भाई स्कूल से आने के बाद या अपने बचपन में भाई हर किसी को GTA खेलने का तो मन बहुत ही ज्यादा होता था। एंड सही में बताऊं तो भाई GTA San Andreas, GTA Vice City भाई खेलने में बहुत ही ज्यादा मजा आता था। अगर मैं बोलूं तो मैंने GTA San Andreas से ज्यादा GTA Vice City में वाइब लिया है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि भाई मैंने GTA Vice City के अंदर बहुत खेला है। मतलब मेरे हिसाब से GTA San Andreas से भी ज्यादा मैंने GTA Vice City खेला होगा अपने स्कूल टाइम में, अपने बचपन में। एंड GTA के बारे में तो क्या कहना यार, उस समय भी हमारा ड्रीम होता था कि भाई GTA खेलना है, और लोगों का अभी भी ड्रीम है कि यार GTA खेलना है, भले ही वो GTA 5 है या GTA 6 है, हमारे टाइम पे वो GTA San Andreas और GTA Vice City होती थी कि भाई दोस्त के पीसी में भी, अगर हमारे पास भी पीसी नहीं है, मान लो मेरे पास भी नहीं था एक टाइम पे, बस दोस्त के पीसी में भाई वो खेलने को मिल जाए तो बड़ा मजा आता था। बट मेरा दोस्त भी हराम ही था, मेरे को तभी देता था जब कोई बड़ा तगड़ा मिशन आए, बहुत टफ मिशन आए तभी मुझे देता था। आप लोगों को GTA 5 का वो हेलीकॉप्टर वाला मिशन तो पता ही होगा, मैंने अपने दोस्त के पीसी में भाई सिंगल टाइम में कर दिया था, जब मैं खुद खेलने बैठा था मुझे एटलीस्ट 3 ट्राइज लगी थी। बट यस बड़ा मजा आया था यार उस वाले मिशन में, सबको पता है। एंड GTA Vice City हो गया, GTA San Andreas हो गया, हर किसी के ड्रीम्स है, हर किसी के मेमोरीज है GTA के साथ। तो एंड लोग चाहे कितना भी बोल देगा GTA आज की डेट में ओवरहाइप्ड है, यस ओवरहाइप्ड होगी, बट अपने टाइम पे यार GTA San Andreas, GTA Vice City का एक क्रेज था, दोस्तों के पीसी में जाके खेलना, खुद के पीसी में खेलना, वो मस्त नेक्स्ट लेवल था। अगर मैं नेक्स्ट गेम की बात करूं गेम नंबर 4 की, तो भाई ये होगी टेकन 3 या टेकन की कोई सी भी गेम, क्योंकि मैं पहले गेमिंग पार्लर में जाया करता था, वो जो पहले कॉइन वाली गेम्स होती है ना आर्केड वाली, तो मैं उसके अंदर टेकन हो गया, टेकन 3 हो गया, टेकन टैग हो गया, तो ये सारी गेम्स मैं खेला करता था उसके अंदर, स्ट्रीट फाइटर एंड ऑल, बट टेकन 3, टेकन टैग सबसे ज्यादा चला करती थी। एंड भाई टेकन 3 में भाई जो मजा आते थे यार, आप अकेले खेल रहे हो तब भी मजा आएगा भाई टेकन के अंदर, और आप लोग अपने दोस्त के साथ 1-on-1 कर रहे हो तब भी भाई बहुत मजा आता था, और आप लोग गेमिंग पार्लर में जा रहे हो तो आप लोगों को पता ही होगा कि भाई आप लोगों के साथ हमेशा मतलब टूर्नामेंट ही चलता रहेगा, वहां पे आप लोगों के सामने कोई ना कोई खड़ा हो जाएगा कि हाँ भाई चल तेरे को तो नहीं मिलने वाला चांस, तेरे को मैं अभी हटा देता हूँ।
आप लोगों को तो पता ही होगा भाई, बड़े मजा आते थे भाई टेकन में, क्योंकि टेकन 8 टेकन 7 तो लोग अभी भी खेलते हैं, बट टेकन 3 टेकन टैग आप लोगों ने कितना खेला है। टेकन टैग के साथ आप लोगों क्या मेमोरी है जरूर से मुझे शेयर करना, राइट। एंड आपकी जो नेक्स्ट गेम है गेम नंबर 5, ये है आपकी पोकेमोन की गेम्स, पोकेमोन की सीरीज, मुझे भाई बहुत ज्यादा पसंद है। अगर आप लोगों ने मेरी फेवरेट गेम्स की लिस्ट देखी होगी जो मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप लोगों ने होपफुली देखी होगी, उसके अंदर भी मैंने पोकेमोन की गेम्स को मेंशन किया है, क्योंकि भाई मेरी चाइल्डहुड मेमोरीज उसके साथ जुड़ी हुई है। अब आप लोग बोलोगे यार निंटेंडो की गेम्स, निंटेंडो के कंसोल लेना बड़ा मुश्किल है। यस, आपके पीसीज में आपके मोबाइल के अंदर एमुलेटर डल जाते हैं पोकेमोन की गेम्स खेलने के लिए। एमुलेटर उस समय मैंने डाउनलोड किया था, एंड भाई मैंने सबसे पहली गेम खेली थी पोकेमोन रेड आई गेस, एंड भाई मुझे बहुत ज्यादा मजा आया था। मैंने अपने दो दोस्त को बात करते हुए सुना कि भाई तूने पोकेमोन पकड़ा क्या, ये वाला लुगिया पकड़ा क्या? मैंने बोला पकड़ा भाई, पोकेमोन तो देखा जाता भाई, पकड़ूं कैसे मैं? तो भाई उन्होंने बताया भाई गेम्स भी होती है, तूने खेला नहीं क्या? मैंने बोला नहीं भाई। उन्होंने मुझे बताया कि भाई पोकेमोन की गेम्स भी होती है, एंड तू भाई इसको ऐसे एमुलेटर डाल के खेल सकता है। आई वॉज लाइक ओ माई गॉड भाई, ये तुमने भाई कुछ नया बताया है। भग के गया भाई घर में, और सबसे पहले मैंने वो सारी गेम्स मैंने खेली, और पोकेमोन रेड हो गया, पोकेमोन ब्लैक एंड व्हाइट हो गया, पोकेमोन प्लैटिनम हो गया, पोकेमोन रूबी हो गया, भाई बहुत सारी गेम्स मैंने खेली पोकेमोन की यार। पोकेमोन क्योंकि आपकी थोड़ी आरपीजी जेआरपीजीज है टर्न बेस्ड वाली, बड़ा मजा आता है भाई पोकेमोन की गेम्स खेलने में। और आज की डेट में तो यार निंटेंडो ने बहुत सारे एमुलेटर्स को शट डाउन करा दिया, टेक डाउन करवा दिया है, तो उसको तो अब क्या ही कवर करे। बट यस भाई, मेरी चाइल्डहुड गेम्स के अंदर मैं पोकेमोन को गिनूं तो भाई बहुत अच्छा रहेगा। बट यस, आप लोग तो बोलोगे यार इन सारी गेम्स को तो हम लोग इजीली खेल सकते हैं पोकेमोन को छोड़ के, इसलिए मैंने इसका सब्स्टिट्यूट में एक गेम मैंने ऐड किया टॉप 5 के लिए, इसको रिप्लेसमेंट के लिए मैं ऐड करूंगा, रोड रैश। ओ माई गॉड, रोड रैश को भाई मैंने बहुत ज्यादा खेला है। रोड रैश मतलब मेरी पहली रेसिंग गेम थी रोड रैश। अब उसको रोड रैश को आप रेसिंग गेम बोलो या आपकी व्हीकल कॉम्बैट बोलो, क्योंकि भाई उसके अंदर आप लोग चेन मार रहे हो, बैट मार रहे हो, लात मार रहे हो, ऐसे उठ उठ के, आपको तो याद ही होगा। होपफुली मुझे कोई गेम प्ले क्लिप मिल गई होगी तो मैं अभी बैकग्राउंड में लगा रहूंगा। अभी रिसेंटली उसका एक रीमेक भी बना था 2018-19 में आई गेस, रोड रैश करके उसका नाम है समथिंग, मुझे उसका नाम याद नहीं है। अभी मैं आपको स्क्रीन पे फ्लैश कराऊंगा, स्टीम का पेज स्टीम पे भी अवेलेबल है, तो दोस्तों चेकआउट कर सकते हैं उसको। मैंने, मेरे फ्रेंड्स लोगों ने, मेरी सिस्टर ने बहुत ज्यादा ही रोड रैश को खेला है, बड़ा मजा आता था। आप लोगों ने कितना खेला रोड रैश को, या खेला है कि नहीं खेला है, मुझे जरूर से बताना कमेंट सेक्शन के अंदर कि भाई यार ये वाली जो मैंने आपको कुछ 5-6 गेम्स बताई हैं, मेरे लिए तो भाई यार ये ट्रेजर ट्रोव होता था बचपन में मेरे। आज की डेट में तो आपको हजारों गेम्स देखने को मिल जाएंगे, ट्रिपल ए सेम टाइप की गेम्स। भाई बचपन में तो भाई तगड़े तगड़े गेम्स आते थे। अभी तो मान लो ये तो मैंने पीसी की गेम्स बताई हैं, अगर मैं आप लोगों को वो जो अटारी और ये जो सेगा निंटेंडो के जो छोटे मोटे कंसोल आते थे, आप लोगों को पता ही होगा 9999 गेम्स इन वन वाली जो कैसेट आपकी आती थी, कैसेटो वाली जो कंसोल आता था, अगर मैं उसको गिनने लग जाता हूं भाई हजारों गेम्स मैं आप लोगों को बता सकता हूं अभी के अभी। बट ऑब्वियसली इसी बात है, उनको किसी और वीडियोस में कवर करेंगे, आज की वाली वीडियो को इतना ही रखते हैं। एंड ये वाली बात को मैं दोबारा से बताऊंगा, ये वाली वीडियो का आइडिया मुझे अपने फ्रेंड बिग बैन जी की तरफ से आया, तो जरूर से आप लोग बिग बैन जी का चैनल को चेकआउट कर सकते हो। तो बस ये वाली वीडियो है, जरूर से मुझे कमेंट्स में बताना कि आप लोगों को ये वाली वीडियो कैसी लगी है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जरूर से आप लोग लाइक कर सकते हो, चैनल में अगर आप लोग नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर सकते हो। तो बस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, सायनोरा, मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में एंड लाइव स्ट्रीम में, बाय बाय।